हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रेजा फॉर व्लॉग्स। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज मेरी हालत थोड़ी सी बुरी सी है, बिखरे बिखरे से हैं, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। और क्यों नहाई नहीं वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है और मैंने आज स्टार्ट कर दिया दिवाली की सफाई, क्योंकि अभी चल रहे हैं श्राद्ध। तो सोचा कि अभी श्राद्ध में कुछ ऐसा वैसा काम नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, तो स्टार्ट कर देते दिवाली की सफाई, क्योंकि उसके बाद आने वाले हैं नवरात्रा। तो उस टाइम मेरा व्रत रहेगा और नवरात्रा में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार माहौल रहता है, सोसाइटी में चहल पहल, फंक्शन, फेस्टिवल्स बहुत अच्छा रहता है। तो ऑब्वियसली वो इन्जॉय करेंगे घर के बजाय। ऑब्वियसली त्यौहार है, त्यौहार से पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती तो नवरात्रि के बाद भी कर सकती थी, लेकिन उसके बाद दिवाली आ जाएगी तो दिवाली के शॉपिंग, मार्केट जाना, और यहाँ पे बहुत रौनक रहती है यहाँ की मार्केट में, दिल्ली की मार्केट में, नोएडा की मार्केट में। तो उस टाइम ना मतलब बाहर घूमने का मज़ा आता है, कि जब भी वीकेंड हो तो आप बाहर जाओ, बाहर जो लाइटिंग वाइटिंग होती है और जो मार्केट का माहौल होता है बहुत सुंदर होता है। तो मैंने कहा कि अभी का टाइम इसको यूटिलाइज़ करते और करते हैं साफ़ सफाई। और आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पीहू के रूम से, और उसके बाद मैं धीरे धीरे, और उसके बाद मैं एक दिन में एक रूम एक प्लेस क्लीन करेंगे हम लोग। क्या हुआ, क्या चाहिए? सो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि मेरे सारे कपड़े बाहर, इसमें से जो उसके कपड़े छोटे हो गए वो मैं निकालूंगी, जो नहीं पहनने अभी वो सारे अलग करूंगी, ऐसा सॉर्ट आउट करके रूम स्टार्ट करते हुए मेरी हेल्प कर रही है शिप्रा तो हम दोनों बैठ के अभी करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। बैठ जा। अच्छा रुक 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 रुक। सो गाइस, इसमें से निकला है एक पीयू का लहंगा, जब पीयू 2 साल की थी और उसके लिए लहंगा बनवाया था। इतना सुंदर है ये लहंगा, इतना प्यारा लग रहा है, पर अब ये इसके आता नहीं है बिल्कुल। कितना सुंदर है यार, इतने सारे कपड़े ऑलरेडी निकल चुके हैं जो अब उसको आते नहीं है। अभी तो और पता नहीं कितने निकलेंगे, देखते हैं। ये वाली भी अब इसके आएगी नहीं। क्यों बाहर निकलो? नहीं बाहर निकल, दीदी को आने दे। तो गाइस, ये हमारे पीयू के इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कपड़े, बिल्कुल भी देने का मन नहीं हो रहा, लेकिन सारे छोटे हो चुके हैं इसका, सारे गिव अवे कर रहे हैं। इतना सुंदर सा लहंगा, ये नवरात्रि में बना था, इसके स्कूल में फंक्शन था, सिर्फ 1 घंटा, एकदम नया यार, इतना अच्छा सा लग रहा है मेरे को। ये इसका लहंगा इतना प्यारा सा, ये इतनी सुंदर सुंदर सी फ्रॉक्स है, बट अब इसके आती नहीं है। एक ये कितनी अच्छी है, इतने इसके फ्रिल्स है सारे। और कहाँ गए एक ये वाले सूट, तो मेरे सुपर फेवरेट है ये वाला। रूटीन वाले कपड़ों में इतना नहीं लगता जितना ये वाले कपड़े, इतने क्यूट, क्योंकि ये पहना थी किसी स्पेशल डे में ना, तो वो फिर वो मेमोरीज वो रह जाती है। इतना प्यारा इसका बैक, इतनी प्यारी थी ना, ये सूट मैंने लिया था तब भी इतने लोगों ने पूछा था ना कहाँ से लिया, क्योंकि बहुत सुंदर था ये वाला। पीयू को वीडियो दिखा देंगे भाई, और क्या, फोटोज तो है ही है और वीडियो दिखा देंगे जमा करने की हिम्मत सारे जंप सूट। अब तो जितने अलमारी में नहीं उससे ज्यादा तो बाहर आ गए। ये इसका दिवाली वाला लहंगा, ये इसका सेकंड बर्थडे की फ्रॉक्स, ये तो इसने बिल्कुल भी नहीं पहना ये वाला कुछ तो। चलो अब जाएंगे जो जाएंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं। ये वाला इसकी मौसी ने बनाया था पूरा, इतना सुंदर है ना, कोटा डोरिया में ओपन कर दो इसको, और इसके साथ ना लहरिया का लहंगा था, ये इसके आता ही नहीं है। लहंगा तो शायद आता होगा मेरे ख्याल से, ऊपर वाला नहीं आता है, लहंगा आ जाएगा, सेट खराब हो जाता है, पर ये आता नहीं है ना। इसके बैक कितनी प्यारी है, ये वाला इतना सुंदर था, मैंने कहाँ से, ये जोधपुर में वस्त्र विनोद से लिया था, इतना सुंदर सेट है ना, वो अंगरखा स्टाइल, अच्छा इसका कपड़ा इतना प्यारा है, इसके साथ धोती भी है ऑरेंज कलर की, पता नहीं कहाँ है ये फ्रॉक। तो मेरी मोस्ट फेवरेट थी रेड कलर की, इसमें इतनी प्यारी लगती थी ना, इतनी सुंदर लगती थी ना पीयू, भाई साहब क्यों रो रही है पीयू, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, रो क्यों रही है तो बता, पीयू के सारे कपड़े जा रहे हैं इसलिए पीयू रो रही है, पीयू के सारे कपड़े जा रहे हैं, पीयू क्यों रो रही है, वीडियो शूट हो रहा है, पीयू वीडियो शूट हो रहा है, पीयू को मतलब
एक मिनट, आपके पुराने कपड़े इतने जाएंगे कभी तो नहीं आएंगे, कभी तो नहीं आएंगे ना, इतने सारे नए कपड़े लेके आए अपन परसों। सो गाइज, हम लोग सफाई करते करते बीच में रह गए, अलमारियाँ ठीक हो गई हमारी, पूरी ठीक हो गई, ये पूरी ठीक हो गई, और ये सारे कपड़े प्रेस के हैं, और बाकी सारा कुछ एक्स्ट्रा सामान हमारे यहाँ से निकल गया। और उसके बीच में हमें कुछ ऐसा सामान मिल गया जो मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था और मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, तो आज हमने ये लगा दिया। पीयू का यहाँ पर रेनबो लगा दिया है और ये सारे अल्फाबेट्स लगा दिए हैं यहाँ पर पीयू का। एक जंगल थीम पूरी थी जिसमें ये सारे एनिमल्स, एक ट्री था, फिर फ्लावर्स थे, वो हमने सारे लगा दिए, और यहाँ पे हमने सारी वो बटरफ्लाइज लगा दी। ये इधर थोड़ी सी कुछ खराब या टेप थी। लोग चाय टाइम, अब हम पियेंगे चाय, खाना वाना खा के हम लोग काम करने लगे। भूख तो नहीं लगी, वापस खाएंगे ना? नहीं नहीं, रोटी लो नहीं। चाय में नहीं तो फिर ये स्नैक्स है नहीं। मैं पूरा डब्बा उठा के ले आई, जो भाई वो खाओ, मजे करो। अरे भाई ये रही आपकी चाय। हाँ क्या खाओगे स्नैक्स में बोलो, बताओ। हाय गाइस, सो इट्स अ डे टू और हमने फिर से रायता फैला दिया है, और यहाँ पे हम आज कर रहे हैं ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग। तो सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, सब कुछ वॉश किए हैं, सारी बास्केट्स वगैरह और सब इसमें सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जो चीज़ें एक्सपायर है वो बाहर फेंक रहे हैं, जो चीज़ें टूट चुकी है, फूट चुकी है, कुछ ऐसे ख़राब है जो पीयू ने तोड़ दिया, ऐसी चीज़ें निकाल निकाल के, और फिर करेंगे मेरी वाली वार्डरोब्स दोनों, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं, सारा अपडेट भी कर रहे हैं, और पूरा एक या दो ब्लॉग बनेंगे मैक्सिमम, जो कि मैं पूरा जिसमें पूरी दिवाली की सफाई वाले पूरे ब्लॉग्स में बना दूंगी। ओके, तो अभी अपडेट देते हैं पूरा सेट करने के बाद। अभी पूरी खाली कर रखी है मैंने, और गाइस यहाँ पे निकले मेरे बहुत सारे शूज़ जो कि कबर्ड के ड्रॉर में थे, और ये सारे के सारे अब मतलब कुछ ना कुछ इनमें ख़राब हो गया, तो ये भी मैं सारे देने वाली हूँ। पीयू के भी इतने सारे शूज़ थे जो कि अब सारे छोटे हो रहे हैं, तो ये भी मैं सब निकालने वाली हूँ, बस अंदर पड़े थे आलस के अंदर। सो गाइस हेलो एंड इट्स एन अनदर डे, और आज हमारा नंबर लगा है किचन का, तो सारी किचन की जो कैबिनेट्स जो भी बोलते हैं वो सारी क्लीन हो रही है, सारे बर्तन बाहर आ चुके हैं, अब इन सारे बर्तन को धोया जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं जो बिल्कुल यूज़ नहीं आते और अंदर पड़े पड़े इनमें लग चुकी है डस्ट। उसके बाद पहले नीचे वाले कैबिनेट करेंगे, फिर ऊपर वाले कैबिनेट करेंगे, और फिर ये वाला सेक्शन करेंगे। तो ये है आज का टारगेट और डे नंबर 3। दूर 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 दूर, बिना चप्पल के नहीं, वो चप्पल पड़े अंदर आपके रूम में, बेडरूम में। हाय गाइस, सो आज हमारी चल रही थी किचन की क्लीनिंग, और पापा लाए हमारे लिए पानी पूरी। पानी पूरी लेके आए, अभी खाएंगे अपन। और मैं क्या बता रही थी, हाँ आज हमारी किचन की क्लीनिंग चल रही थी, और मतलब टफ वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो किचन का सबसे सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ना, वो हमारा हो चुका है, मतलब समझ लो टफेस्ट पार्ट। मतलब क्या था उनका वो वहाँ क्लीनिंग, पानी से ना क्लीनिंग करना, डब्बे निकाल के रखना, कितना ऊपर तक पूरा सारा कुछ किया। अभी हमारा मतलब 40% बचता है, लेकिन जो 40% बचता है वो ईजी वाला है, लाइक कल फ्रिज वगैरह, टाइल्स वगैरह ये सारा करेंगे, बाकी जो ऊपर की रैक्स है, ऊपर सबसे ऊपर वाला है, जो चिमनी का पार्ट है, और जो सारी कबर्ड्स है वो सारे हमने क्लीन कर लिए, अंदर से सारे डब्बे वब्बे निकाल के, जो भी एक्सपायर्ड है वो सारा कुछ देख के वो सब कुछ कर लिया। अब कल बचता है, और कल शायद तक मैं साथ के साथ करने वाली हूँ स्टोर रूम, क्योंकि कल अमित के ऑफ है, तो ये घर रहेंगे तो स्टोर में बहुत सारा सामान है जो मैं इनके आगे रखने वाली हूँ, और जो भी नहीं चाहिए होगा सब कुछ डीक्लटर होगा घर से। मैंने अभी तक बहुत सारा, आज भी मैंने किचन से इतने सारे बर्तन थे जो मतलब हम यूज़ ही नहीं कर रहे, लाइक मैंने पिछले 4 साल से यूज़ नहीं किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 साल से यूज़ नहीं किया वो अगले भी 4 साल तक नहीं करने वाली, तो मैंने सारे अपने मेट को दे दिए, बर्तन दे दिए मैंने इतने सारे, मेरे जूते, पीहू के जूते, पीहू के कपड़े, मतलब फुल ऑन क्लटरिंग हो रही है, क्योंकि घर के अंदर वैसा सामान नहीं रखना चाहिए जो हम लोग यूज़ नहीं करते, बिकॉज वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करके रखते हैं घर के अंदर, और वो अकॉर्डिंग टू वास्तु अच्छा भी नहीं होता हमारे घर के अंदर, ऐसे फालतू की चीज़ें पड़ी रहती है, फालतू के पुराने बंद इलेक्ट्रॉनिक्स, बंद घड़ियाँ, ऐसे कुछ भी भगवान की तस्वीरें, जो भी हमारे पास गिफ्ट्स आते हैं हम लोग नहीं लगाते, वैसी चीज़ें हमें घर पे नहीं रखनी चाहिए, हो सके तो डोनेट कर दो, इधर उधर दे दो, गिफ्ट कर दो, या जो भी ऐसा कुछ कर दो। तो वही सारा कुछ किया, कुछ ऐसे बर्तन यहाँ पे मतलब थोड़ा मॉइस्चर ऐसा है, मतलब ऐसा यहाँ पे पानी है, या फिर आप कुछ कह सकते हैं ऐसा, या का एनवायरमेंट ऐसा है, यहाँ पे स्टील का बर्तन ना बस नया लाते ही उसको उसमें वो आ जाती है
चीर चीर आ जाती, कट जाते, मतलब टूट जाते, क्या बोलते हैं यार जो भी है, मतलब टेढ़ आ जाती है सिंपल वर्ड्स में, टेढ़ जाते हैं। तो वो सारे बर्तन ऐसे टूटे फूटे बर्तनों में भी खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो भी सारे मैंने निकाल दिए हैं। और ऐसी हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, ये है आज की ताज़ा खबर। और आज हमारा साफ़ हो रहा है ये स्टोर, क्योंकि हमें आज ये घर पे मिल गया ये प्राणी, तो आज हमने इसका पूरा उठाया फ़ायदा। और हम स्टोर के लिए एक मिनट हुआ है सिर्फ अंदर गए हुए, सिर्फ एक मिनट, सुबह से सो रहे हैं, अब 5 बज रहे हैं। और आज हमने पूरी किचन क्लीन कर दी, पूरी हमारी टाइल्स क्लीन हो गई है, पूरी हमारा फ्रिज क्लीन हो गया एकदम। फ्रिज दिखाते हैं आपको चमाचम करता हुआ एकदम, अभी आंगन वांगन गंदा है, क्लीन होगा अभी पूरा एकदम। फ्रिज हमारा बढ़िया चमक चुका है, और फ्रिज में मैं बेसन भी इसमें रखती हूँ, सूजी भी इसमें रखती हूँ, मैदा भी इसमें रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें रखती हूँ, मलाई भी इसमें रखती हूँ, तो मेरा पूरा फ्रीज़र पूरा पैक्ड रहता है। अभी और आएगा यहाँ पे सामान, और बाकी सब हमने ये तो कल क्लीन कर ही दी थी ये सारी, आज चिमनी विमनी भी क्लीन चमका दी पूरी की पूरी, ये देखो। और ये अंदर से भी सारे डब्बे क्लीन कर दिए, उसमें पीयू के हमेशा स्नैक्स पड़े रहते जो एक्स्ट्रा बचते एयर टाइट में, तो अभी खाली कर दिए हमने पुराने वाले, अब उसमें फिर से फिल करेंगे। और यहाँ दिखाती हूँ मैं, मजदूर को चाय पिला दो, मजदूर पहले कुछ काम करेगा उसके बाद चाय पिलाएंगे। हाँ, ताकि पता चले ना इन लोगों को भी बहुत काम करवाया है इनसे। और यहाँ पे तो ये है हमारी किचन, टाइल्स वाइल्स क्लीन हो चुकी है, ये सारी धुल चुकी है, बहुत ही भयंकर काम किया हमने। ये देखो एकदम चमाचम करती है अलमारियाँ। ये पीयू के आने से पहले कैसे हुआ, पीयू गई हुई अपनी ड्राइंग क्लास, तो वो तो आ जाएगी आधे घंटे में, आधे घंटे में ये सब थोड़ी होगा यार। ये बेचारे एक स्टोर ने इतना सब कुछ झेल रखा था, और ये टंकियों का कोई यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन वाली गैस आती है, तो एक तो हमने किसी को दे दी और एक पड़ी है, तो अब ये सारा कुछ सॉर्ट आउट होगा, इनमें जो नहीं चाहिए होगा सब बाहर जाएगा सब। इतने दिनों से सिर्फ यही हो रहा है कि घर से सामान हमने भर भर के बाहर निकाला है। और ये है सर्दियों के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा एयर टाइट करने के लिए दरवाजे उनके नीचे घुसा देते तो हवा नहीं आती, वरना यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। तो यही अभी का अपडेट, मैं अपने आप को दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत बुरी हालत में हूँ, और ना हमारे शुप्रा मैडम को दिखा सकते क्योंकि हम दोनों बहुत भूत बने हुए, 3 दिन से भूत बने पड़े सच में। तो गाइस आज पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, वैसे पूरा तो नहीं हुआ, एक दिन अब रुक गए थे इसलिए थोड़ा सा ही हो पाया है, अभी तो वैसे बहुत सारा बचा है। अभी तो वैसे पंखा साफ कर रहे हैं, बहुत थोड़े दिनों पहले मतलब 2 दिन पहले हमने किचन साफ किया था, फिर आपको किचन दिखाते हैं। अभी सब मैसी है, हाँ पर थोड़ा सा मैसी है, बोलो क्लीन हो गया, देखो क्लीन तो हो गया, हो गई डीक्लटरिंग हो गई, बट ऑर्गेनाइजिंग बाकी है, हाँ बस सफाई हो गई है पूरी अच्छे से, और सफाई तो हो चुकी है, ऑर्गेनाइज और सफाई स्टोर में हमने किया अच्छे से, स्टोर में बस थोड़ा सा ये लिक्विड्स वगैरह है, बाकी सब ठीक है, या बैग में, सॉरी आपकी लाइट नहीं आ रही होगी, मैं कर सकता हूँ या थोड़े बहुत ये सब पड़े इसको छोड़ो, या टेरिस की बॉल पड़ी है ये सब, या इसके लिए टेप्स भी है, काम की है ये बर्तन वाला है, पर अब ये कुछ काम करें, ये सेल में आपने पूरी ठीक की, पहले एक जूते के ऊपर दूसरा जूता था उसका, ये मैं हेलो, ये मैंने अपना जुगाड़ रख रखा है, जूते भी मैंने पहन रखे, ये मेरा जुगाड़ है बस। और मम्मा लाइट साफ कर रही है, या दीदी भी काम कर रही है साथ साथ, मम्मा लाइट साफ कर रही है, पंखे हो चुके हैं वो दोनों पंखे बस होने बाकी है, पर फिर सारा हो जाएगा। टीवी तो वैसे भी साफ ही है, मंदिर तो साफ ही रहता है, बस हो गया, बस हो गया, ठीक है बाय। हाय गाइस, सो अभी थोड़ा सा अपडेट देना था कि जो अब ब्लॉग चल रहा है क्लीनिंग डिक्लटरिंग ऑर्गेनाइजिंग उसी का, तो मैंने सारे कर्टन्स वगैरह वॉश कर दिए थे और लग गए, सिर्फ हॉल हॉल के लगे, बाकी रूम्स के लगने हैं, बेडरूम के तो लगाने ज़रूरी हो गए क्योंकि नींद आ नहीं पाती है रोशनी में। दूसरा मैंने सारे टेबल क्लॉथ वगैरह वो भी सारे धुलवा दिए, वो लगाने, मतलब अब सारा सामान फैला हुआ साफ सब कुछ हो चुका है,
बस सबको ऑर्गेनाइज करना अच्छे से, और यहाँ पे ये सारे टेबल क्लोथ्स वगैरह सारे कुछ, डाइनिंग क्लोथ्स, सोफ़ा कवर्स, ये सब यहाँ पड़े, तो ये सारे लगाने हैं। कर्टन सारे धो दिए हैं, और पंखे वंखे भाई साहब सारे साफ़ हो चुके हैं, ये ग्लासेस सारे साफ़ हो गए, ये दरवाजे वगैरह साफ़ हो गए, कर्टन साफ़ हो गए, कर्टन धुल गए, फ्रिज वगैरह पूरा अंदर से क्लीन हो गया, किचन के भी सारा कुछ ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ अंदर से बाहर से एवरीथिंग क्लीन ऑर्गेनाइज। और हमारा स्टोर सबसे पहले सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पे कुछ मेरे न्यू शूज़ है वो यहाँ रखे हुए हैं, एंड यस यहाँ पे सारे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, तो ये सारे ऑर्गेनाइज करने हैं, और ये सारा कुछ क्लीन हो गया। अब यहाँ पे पर्दे वर्दे लगने हैं, ये सारे धो धो के मैंने रख दिए, धुल धुल के वापस लगाने हैं, मुझे हेल्प चाहिए। और यहाँ पे हमारी नई कबर्ड आ चुकी है, तो यहाँ पे जो भी कपड़े अनशन पड़े तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बहुत ही अच्छी कबर्ड हमने ऑनलाइन मंगवाई है, इतना बड़ा ड्रॉर है उसके अंदर, पूरा फुल लेंथ का सेक्शन से यहाँ पे हैंग हो जाएंगे, क्योंकि अमित के कपड़े काफ़ी हो रहे थे और पूरे टाइम इधर उधर डोलते रहते हैं, तो इसलिए हमने ये कबर्ड मंगवा दी, वार्डरोब कबर्ड वॉट एवर। और बस इसके पर्दे हमने लगा दिए, कांच वाच आपको एकदम चमकदार दिख रहा है, ड्रेसिंग टेबल एकदम क्लीन हो चुकी है, आज मेरी अलमारी और अमित की अलमारी, बस अब ये दो बच्ची है, बाकी उसके बाद सारा कुछ कंप्लीट। कोई कोई चीज़ दिखाते, हमने एक स्टीम आयरन मंगवाई है फिलिप्स की, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा रिव्यू है, हमने यूज़ भी करके देखा है, और आपको अगर वीडियो बनाना है बताना है तो भी मैं बता दूँगी कौन सा मॉडल है, कितने की आई है, और कैसे इससे कपड़े प्रेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको पूरा दे दूँगा। अपने बहुत काम की चीज़ें, प्योर की पोशाकें वगैरह, प्योर की साड़ियाँ सारी कुछ इससे अच्छे से आयरन हो जाती है, तो आप मुझे बताना, कमेंट करिए कि आपको इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, जब देख सकते हो ये कितना कवर करके रखा है। आज पियू के पापा की अलमारी सेट हो रही है भाई। अभी आप देखो कपड़े दिखाओ फिर यही चीज आप भैया को बोला, मम्मा से भी ज्यादा कपड़े पापा के पास है, मम्मा तो बेचारी कुछ भी नहीं खरीदती है, चार ड्रेस है मम्मा के पास सिर्फ और सिर्फ, और इन औरत के पास नहीं 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 फिर पैर के नीचे आएगा, बस पीहू बस स्टॉप, ये रेड आ गया इसका, नहीं अब आप टच मत करो, पीछे से ऑन हो गया, लो 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 स्टार्ट करो, अपना पकड़ो वो आगे से, कर दे स्टार्ट कर दे, पीहू कर दी हमारे, हमें किसी को कुछ नहीं करना है, इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना, पता नहीं क्या करने को मिल रहा है, आ रहा है बस आप टेंशन मत लो, कचरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो इतना कचरा निकल रहा है, आज इस हॉल की बारी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, और आज है हमारी क्लीनिंग का लास्ट डे, क्योंकि आज हम रैप अप कर देंगे, कल से नवरात्र स्टार्ट है, आज है अमावस्या, सुबह सुबह मैंने नहा लिया था आज, और मंदिर गए थे हम लोग दान वान करने के लिए, और अब क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है आज की, और अभी टाइम क्या हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो आज हमने लेट ही स्टार्ट किया क्योंकि सब मंदिर वंदिर जाना था, सब कुछ काम करना था, और अब मैं बना रही हूँ खाना, ये दोनों कर रहे हैं सफाई, तो आज थोड़ा सा स्पेशल बनेगा, बनेगी खीर पूरी सब्जी, ये सारा कुछ बनने वाला है, रोज क्योंकि काम रहता है, तो मैंने कहा आज लास्ट डे है तो बढ़िया से ट्रीट करते हैं, और क्या मैं बता रही थी, बस अभी तक तो यही अपडेट है, पूरा क्लीन करके बताते हैं, क्लीनिंग हो चुकी है, आज सारा कुछ अरेंजमेंट करेंगे, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके सामान रखेंगे, और कल जाऊंगी मैं नई नई बेडशीट्स खरीद के लाऊंगी, क्योंकि अभी तक शुरुआत है, हमने कुछ भी खरीदा नहीं है नई चीज़। सो गाइस, लड़कियों की हो रही है अभी टी पार्टी, इन्होंने काम काज कुछ किया नहीं, ये देख लो घर की हालत ऐसी कैसी है, और ये गिर गया, बिस्किट गिर गया, खा लो भी अच्छे से, और टाइम 1:30 बज रहे, कितने अपने लास्ट व्लॉग अपन ने 12 बजे बनाया था, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे हमने ये किया, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ सारे यहाँ से सारे ड्रॉअर सारे नीचे वाले सारे कैबिनेट सब खाली किए, और बहुत सारी चीज़ एक्सपायर्ड हमने बाहर निकाली है, और अब सोफे की बारी है, फिर ये टेबल फिर क्या, हाँ एक बचा हुआ ना सोफा, चलो चाय पी लो, मैं यहाँ पे खाना मेरा साइड बाय साइड चल रहा है, खीर मेरी
बन चुकी है, मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं, अभी मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, आटा मैंने लगा दिया है। सो गाइज, हमारे रिसीव हुआ एक अमेज़ॉन से पार्सल, जो मैंने एक बार ओपन करके देख लिया और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या आया है। एक्चुअली हमने ना इन चेयर्स के लिए ऑर्डर किया था एक कवर्स, चेयर कवर्स, और बहुत ही अच्छा आया और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को अगर आप लेना चाहो तो। स्ट्रेचेबल है और इनका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और क्या है कि यहाँ पे बहुत डेली डेली डस्ट गिर जाती है और बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दाग वाग लगा हुआ है। तो मैं ये कवर्स लगा दूँगी और जब भी वॉश करना होगा वॉश कर लूँगी, और मेरे यहाँ पर सोफ़ा कवर्स के ये मैच हो जाएंगे क्योंकि चेयर्स है मेरी डार्क कलर की और ये कुशन से लाइट कलर की है, ये कर्टन से वापस गोल्डन एंड ब्राउन, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा मैच करके मंगवाया। और मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगी इसके अंदर, यहाँ पे इलास्टिक है, अमेजोन से ऑर्डर किया और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। और आपके और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स, वैरायटीज़ और सब कुछ मिल जाएगा, तो आप देख लेना एक बार। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ इट, एंड मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।